मित्रों आजकल के बच्चे बच्चे नहीं बिल्कुल तूफान है तूफान है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जन गण मन चल रहा था और सभी बच्चे सावधान खड़े थे, लेकिन इस बच्चे को सबर नहीं है। देखो कैसे गोल गोल नाच जा रहा है अभी। अरे मुन्ना आखिर खुशी किस बात की है? लगता है कि इस मुन्ने के बगल वाली पिंकी बिल्कुल मान चुकी है और बच्चा हो चुका है बहुत खुश। इस मुन्ने का यही कहना है कि बगल वाली पिंकी एक बार आ जा। सच में यार बच्चे ने बिल्कुल माहौल बना दिया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आईटीआई वाले बच्चे, इनको कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, यानी कि क्लासरूम में शादी चल रही है। और मुन्नी की तरफ देखो यानी कि दुल्हन की तरफ देखो कैसे शर्मा शर्मा कर चल रही है। और जरा दूल्हे की तरफ देखो, इन बच्चों के बहुत से अरमान अधूरे हैं, बेचारे आपस में ही ऐसे कारनामे करके दिल को बहला रहे हैं। और मुन्नी को बुला लिया गया है स्टेज के ऊपर, अब होगी शादी दोस्तों। यहाँ तक रहता तो ठीक था, अबे वहाँ पर माला कहाँ से आई बे? लगता कि घर से लेकर गए थे। पक्का इरादा था इन दोनों का शादी करने का कि साथ में घर बसाएंगे। इसी के साथ जयमाला हुई कंप्लीट। और दोस्तों मुन्ना मुन्नी बिल्कुल दूल्हा दुल्हन बन चुके हैं और गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। तब यार एक और मुन्ना आता है और पैसे फेंकने लग गया, यानी कि पेपर के पैसे ही फेंक रहा है। सच में बिल्कुल शादी वाला माहौल बना रखा है। अब इनके टीचर जी कहाँ हैं? यहाँ पर क्लासरूम में ये सब चलता है। इस शादी में कमी थी डांस की, वो भी पूरी कर दी, यानी कि मुन्ने ही आपस में नाचे और होने लगी विदाई। सच में बहुत दर्दनाक माहौल है। विदाई के वक्त यार बहुत ही दिल को दुख लगता है, पता नहीं क्यों। और देखो गले मिला जा रहा है यार, सच में रोपड़ा। इसे बोलते हैं दोस्तों असली शादी। आईटीआई में दोनों मुन्नों की आपस में शादी। अब इन दोनों का पता नहीं कितना खतरनाक मुन्ना पैदा होगा। ये सब देखकर आपको पता चल गया होगा कि आजकल मोबाइल ने सभी को पागल कर रखा है। यहाँ पर देखो इसे छोटी सी मुन्नी की तरफ, ये तो एक गाने पर डांस करना चाहती थी और गाना कौन सा था सुनो आप। लोगों को गाने पे डांस सिखाने वाले, उस गाने का नाम है कुसु कुसु। मेरा सुगु सुगु नहीं मेरा। तो क्लास मुश्किल में है जी। कुसु कुसु। पता नहीं दोस्तों आजकल के बच्चों ने कुछ अलग ही माहौल बना रखा है। मोबाइल हाथ लगना चाहिए फिर क्या टैलेंट उछल उछल कर आने लगता है बाहर। अरे बच्चे तो बच्चे, मोबाइल ने तो बड़ों बड़ों को भी नहीं छोड़ा। बच्चे मोबाइल के सामने स्कूलों में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो इस आंटी को, ये आंटी तो हॉस्पिटल में ही उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, मोबाइल पर वीडियो बना रही है गाने लगा के। अरे मुन्नी ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करते। उधर मरीज तड़प रहे होंगे दर्द के मारे, लेकिन इसको सबर नहीं है, गाने लगाकर बिल्कुल उछल उछल कर नाच रही है। पाप लगेगा मुन्नी तुम्हें, बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये मैं हूँ, ये मेरे दादा है और हम दादा की शादी करा रहे हैं। आए हाय दोस्तों, ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? यानी कि छोटी सी मुन्नी को बहुत खुशी है कि इसके दादे की दोबारा शादी हो रही है। अबे यहाँ पर जवान मर गए, उनको कोई मुन्नी नहीं मिल रही, उनकी शादी नहीं हो रही, लेकिन दादा दोबारा शादी कर रहा है। अरे दादा तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक तो पहले से ही जीना हराम हो रखा है, ऊपर से ऐसे लोग शादी कर करके बिल्कुल दिल में आग लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इनको देखकर आपको दुखी नहीं होना है। यहाँ पर देखो इस मुन्ने की तरफ, ये टीचर जी से कोई सवाल पूछता है। असल में इस मुन्ने का मकसद कुछ और था, सवाल तो एक बहाना था, असल में यार इसको ऐसे सवाल पूछकर मुन्नी के पास जाना था। और चेहरे पर खुशी देखो दोस्तों, मुन्नी के पास बैठकर बहुत ही खुश है। मित्रों आजकल की सच्चाई यही है कि स्कूल में कोई भी पढ़ने नहीं जाता, सभी लोग यार बिल्कुल सेटिंग करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं और मुन्नियों को पटाने जाते हैं, क्योंकि ये देश बहुत तेजी से बदल रहा है। अब यहाँ पर देखो इस मुन्ने की तरफ, इसके पास यार टीचर जी खड़े हो चुके हैं और मुन्ने को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या करूं। देखो बिल्कुल सीधा सीधा लाइन ही मारे जा रहे हैं। सच में मित्रों ऐसे होता है, चाहे हमें एग्जाम में सब कुछ आता हो, लेकिन जब टीचर जी ऐसे देखने लग जाते हैं ना, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं क्या नहीं। हम तो सर पर हाथ रख के बिल्कुल सोचने लग जाते थे कि इस सवाल का आखिर क्या जवाब था। लेकिन मित्रों सबसे बड़ा सच ये है कि सोचने से घंटा कुछ पता नहीं चलता, यूँ आता है वो आता है, याद करने से कुछ भी याद नहीं आता। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, टीचर जी ऐसे खड़े हुए हैं, तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी आप हमेशा हंसते रहा करो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, ठेका दे दो आपको हंसाने का।